पाठी पाठ कि करे। पहली गल जे सज्जन शुद्ध पाठ करने वाले होन, हुण साडी मुश्किल ए वे मरने परने दे पाठ रखाने आ, बाहर मेल आया उन्हां नूं चाह पुछने पया, पाठी जपजी साहिब दीआं पंज पौड़ियां सुनियां सारे बाहर भज गए, भोग वेले आवाज मारदा आ जाओ अंदर, भोग दे शलोक आ गए। गुरमुखो मैं कहांगा कि जिंदगी च भावें एक अखंड पाठ कराओ, किसी रिश्तेदार नूं मत सजो, दुनियादारी मत पालो, सारे जी बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ सुनो, जे नहीं ते सहज पाठ करा लो, घंटा सवेरे घंटा शामी भाई साहब पाठ करन, सारा परिवार सुनो, घट्टो घट गुरु नूं मर लग्या ए तां कह दईए कर नहीं सकिया पर मैं सुन के सारा आया। मैं बेनती करांगा पाठी किवें पाठ करे, अन्न को बंदेज बांध, आसन को साध बेस, गात को अलूल सूद, एक चाल लीजिए। जिसने पाठ करना है सब तो पहला चौंकड़े दा धनी होवे, वो चौंकड़ा मार सकदा होवे। अज चौंकड़े दे धनी केड़ा मिलदा है, जे इत्थे ते निक्के निक्के न्याणियां दे गोडियां दी बस हो गई, जिन्ने असीं बैठे 80% गोडियां दे बीमार होणगे विच। सच है ना जी, ये सारी कृपा रिफाइंड दी है जिहड़ा रोज खाने पए। अज तो कोई डॉक्टर बैठा हो गुस्सा ना करियो, अज तो 10 साल पहला कहिंदे ना ना घिओ ना खायो घिओ ना खायो, हुण सारे कहन लग पए चिमचा घिओ जरूर ले लिया करो। हुण बंदा समझे भी शरीर तां ओही है ना, ये बड़ियां वड्डियां वड्डियां कहाड़ियां हुंदियां ने प्यारियो, साडे वास दी रोग नहीं, ये भी माफिया बड़ा वड्डा हुंदा कि इस चीज़ नूं प्रमोट कर ले। पहली गल जिन्हें पाठ करना अभ्यास करे चौंकड़ी मारन दा। एक गल होर, जे किसी ने रोज तुहाडे बहुत बैठे होणगे अभ्यासी कहणगे भी ये की सुनाई जांदा है, जदों चौंकड़ी मारनी है यतन करिए कि साडे पैरां वाला पासा जिहड़ा वो थोड़ा जिहा नीवा होवे, सीट वाला पासा जिहड़ा वो 1-2 इंच उच्चा होवे। जिहड़ा बंदा अगो उच्चा बैठदा है पिछे नीवा, याद रखियो 10 मिंटां च उहदियां लत्तां सौ जाणगियां। जे शब्द का अभ्यास करना है तो चौंकड़ा ऐसा, पाठ करन वाला पहली गल चौंकड़े का झनी होवे। महाराज ने शब्द वरत्या ए भाई संत न्यास, अन्न को बंदेज बांध, अन्न ते कंट्रोल करे। जिन्हें 2 घंटे पाठ करना है जे सेर आटा खा जूगा उन्हें प्यारे पाठ की करना है, अन्न ते कंट्रोल होवे, चौंकड़े दा धनी होवे। तीजी गल, पाठ करन वाला अपने शरीर नाल हरकता ना करे। जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करना है अन्न को बंदेज बांध, आसन को साध बेस, गात को अलूल सूद। गात को दा मतलब की है जी, शरीर। हुण कईआं बंदिआं दा सुभाअ है जी नाले पाठ करी जाणे ते मुछां नूं वट दई जाणे, उहनां दे हाथी कंट्रोल च नहीं हुंदे। कईआं दा सुभाअ है नाले पाठ करी जाणगे नाले पैरां दीआं तलीआं खुरकी जाणगे। इस तरीके ना जी, जिस बंदे ने पाठ करना अपने अंगां ते कंट्रोल करे, पाठ एक चाल करे, काली ना करे। मैं फिर बेनती करांगा एक गल्ला पाठियां लई, मेरे लिए भी कह, अन्न को बंदेज बांध, आसन को साध बेस, गात को अलूल सूद, एक चाल लीजिए, एक चाल पाठ करे। अगली गल, चीत को निरोध कह, प्रबोध कह, प्रकाश प्रेम। जो पाठ करना होवे ते 5-7 मिंट पहला बैठ के पाठ सुने जां अरदास करे कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहाडे गोद च बैठन लगा, कृपा करो मेरा चित गंदे फुरनिया वाल ना जावे। चित नूं रोक के पाठ करे, चित चीत को निरोध कह, प्रबोध कह, प्रकाश प्रेम। ज्ञाती ना बिछाए ना प्रियंक हाथ दीजिए, गद्दियां लाख ना बैठे। मेरी बेनती थोड़ी सुन लियो प्लीज, ते कूणियां रख के महाराज दी मंजी साहिब ते ना बैठे। याद रखियो पहला मंजी साहिब सी, अज मंजी साहिब नहीं, अज बैड है। अज ने प्रकाश ना तकरीबन हरिमंदर साहिब नूं छड्ड के जेड़े असी बैड घर नहीं वरते, आ पलाई आले, पलाई आले बैड ही। पर रैत मर्यादा च लिखा मंजी साहब ते प्रकाश करे, मंजी जां निवारी हुंदी जां सूतरी हुंदी है। अजे भी दरबार साहब मंजी साहब ते प्रकाश है। हुण जिहनूं मंजी साहब कहिंदे, मंजी साहब थोड़ा है जी, ते इह तां बैड जिवें बणे ने तकरीबन इस तरह। उस मंजी साहब ते कूणी ना रखे पाठ करन वाला, गादी ना पछाए ना प्रियंक हाथ दीजिए। खांसी, क्रोध, वार्ता, जंबाई और डकार शी के नोट करियो।
गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी पाठ करन वाला अपने मुंह नूं ढक के रखे। कई हुण कहिंदे ने मुंह ढकण दा की फायदा, याद रखियो जदों असीं बोलने आ कुछ अदृष्ट निक्के निक्के मुंह विच्चों पानी दे कतरे डिगदे आ। ढक के रखे, खंगे ना गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया बैठ के, खांसी क्रोध गुस्से जा के पाठ ना करे। मैं कहना अज तो ये तकरीबन 100 साल पहला लिखा संत निहाल सिंह लाहौर दे सन, वह कहना गुस्से च पाठ ना करे। तो सच्ची मुची एक पाठी कि 10 मिनट ज्यादा पाठ कर ले, सज्जी पुछो ना वह 10 मिनट जेडे कढ़ दे अंदर वट उठते पैने आ जा। सच्ची वह पाठ नहीं करता, धक्का करता, कदों खेड़ा छुट्टे। कहिंदे ने पाठ करदिआं गुस्से च ना आवे, खांसी क्रोध वारता पाठ करदिआं गल्लां ना करे। मेरी बेनती जे मान लो साडे च कोई पार्टी, मैं कहना जे पाठ करके भी रोजी गए ते ईमानदारी नाल पाठ कर, गुरु नूं मुहब्बत करके, बद्दा चट्टी ना कर, तेरा पाठ भी बंदगी बन जाए।